हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आनुवंशिकता और जैव विकास। ये 10th क्लास का चैप्टर 9th है साइंस का, तो मैं आज आपको ये बताऊंगी आनुवंशिकता और जैव विकास होता क्या है। चलिए बात करते हैं आनुवंशिकता की। देखिए, जो कोई भी मनुष्य होता है, जैसे हम इंसान है, तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, और आप कोई जानवर ले रहे तो उसका बच्चा जानवर ही होता है। जैसे कुत्ता ले रहे, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है। ऐसे क्यों होता है? माता पिता के गुण उसकी संतान में आते हैं। क्यों आते हैं? तो ये आनुवंशिकता के कारण होता है। मैं आपको बताऊंगी आनुवंशिकता होती क्या है। माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में आना ही आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। और माता पिता के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि माता पिता के जो गुण बच्चों में आते हैं वो कैसे आते हैं। चलिए हम बात करते हैं कोशिका की, ठीक है। ये हमारी क्या है? कोशिका है। हमारी बॉडी पूरी कोशिका से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। और मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है? हमारा केंद्रक होता है। हमारी कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्र के अंदर हमारे क्या होते हैं? क्रोम। देखिए, ये हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, और जिन्हें हम यूकेरियोटिक कहते हैं। और जबकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हमारी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो देखिए, हमारा जो ये क्या है? कोशिका। कोशिका में केंद्रक होता है। तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है, और कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और देखिए, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, ये हमारे प्रत्येक जीव के लिए क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। जैसे हमारे मनुष्य में प्रत्येक सेल में हमारी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? फिक्स होती है 46। यदि मैं मान लूँ कि मैं अपने शरीर से कोशिका निकाल लूँ, कहीं से भी कोशिका निकाल लूँ, तो कोशिका में क्या है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कितने होते हैं मनुष्य के लिए? 46। तो हमारे उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो हमारी सेम संख्या होगी, 46। मान लो मटर है, मटर के पौधे में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 14 होती है, वो फिक्स होती है क्रोमोसोम की संख्या। अब देखिए, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो डीएनए और प्रोटीन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए की फुल फॉर्म होती क्या है। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जानते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो चलिए, अब हम ये बात करते हैं कि जो माता पिता के गुण संतान में आते हैं वो कैसे आते हैं। देखिए, मैंने आपको पता होगा लैंगिक जनन। देखिए, हमारे इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है कि जब कोई हमारा एक शुक्राणु और क्या होता है, एक अंडाणु। देखिए, हमारा क्या होता है? एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु होता है। ये दोनों मिलते हैं कैसे? निषेचन से। जब हमारी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, दोनों मिलते हैं और एक युग्मनज का एक युग्मनज बनता है। जब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मिलते हैं और हमारा क्या बनता है? युग्मनज बनता है। देखो, ये हमारा एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु होता है, और जब ये दोनों मिलते हैं निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप, तो हमारा एक युग्मनज बनता है। और युग्मनज के बाद हमारा भ्रूण बनता है, उसके बाद हमारा क्या बनता है? बेबी बनता है। देखिए, शुक्राणु क्या है? एक कोशिका, एक सेल है। और अंडाणु क्या है? एक कोशिका है। इनमें हमारा एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्र के अंदर हमारा क्या होता है? केंद्रक में हमारे क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए। हमने बात की थी क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन। तो क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और यही डीएनए, और जो हमारा यही डीएनए होता है, क्रोमोसोम में हमारा डीएनए पाया जाता है, और जो यही डीएनए होता है वो क्या होता है? माता पिता की संतान में और यही डीएनए हमारा माता पिता की संतान में आता है। और इस डीएनए में क्या होता है? देखिए, बात याद है कि इस डीएनए में हमारा क्या होता है? जीन होता है। इस डीएनए में क्या होता है? जीन होता है, और जिससे माता पिता के गुण हमारे संतान में आते हैं। देखिए, बात आती है जब हमारा शुक्राणु बन रहा होता है और अंडाणु दोनों बन रहे होते हैं, जब शुक्राणु बनना होता है और अंडाणु बनना होता है, तो वहाँ क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? हमारी 46 होती है ना मनुष्य में, तो हमारी आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। और आधी होकर कितनी हो जाती है हमारी? 23 और 23 इसकी, मतलब शुक्राणु के पास क्रोमोसोम कितने? 46, अंडाणु के पास 46। तो हमारी आधी हो जाती है जब हमारा क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और जब दोनों मिलकर हमारे युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो हमारी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 46। तो क्या होता है, जब हमारा शुक्राणु अंडाणु दोनों बनने होते हैं, तो क्रोमोसोम की संख्या हमारी आधी आधी हो जाती है, 23 23। और ये दोनों मिलकर जब युग्मनज का निर्माण करती है, तो हमारी 46 46 हो जाती है। इसी संतान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 46। और ये हर मनुष्य के लिए क्या होती है? फिक्स होती है। अब देखिए, यदि हमारी क्रोमोसोम में क्या होती है, यदि हमारा जो क्रोमोसोम बन रहे हैं हमारी कोशिका में क्या होता है? केंद्र। केंद्र के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए। और यदि हमारे क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे हमारे क्रोमोसोम 46 है, वैसे तो ये फिक्स होते हैं, लेकिन अगर हमारे क्रोमोसोम 45 या 47 हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएशन, जिसे आप विभिन्नता या विविधता कहते हैं। और इसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? जैव विकास, जो हमारा चैप्टर है। देखिए, इसी वेरिएशन को हम कहते हैं जैव विकास, ठीक है। अब देखिए, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए। क्रोमोसोम में क्या होता है हमारा?
डीएनए। और याद रखना डीएनए में हमारा क्या होता है, प्रोटीन। डीएनए जो है वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, मतलब सॉरी डीएनए जो है हमारा प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए क्या बनाते हैं, डीएनए जो है प्रोटीन बनाते हैं। और यही जो हमारे प्रोटीन है वो हमारे क्या कहते हैं, बॉडी डिज़ाइन का काम करते हैं। देखिए हमारे क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए जो है वो हमारा प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन हमारी बॉडी डिज़ाइन बनाते हैं। और इसी कारण और बॉडी डिज़ाइन बनाते हैं, और इसी कारण जो हमारा बेबी बनता है वो क्या होता है, माता पिता की तरह ही बनेगा। क्योंकि जिस प्रकार का हमारा डीएनए होगा उसी प्रकार का हमारा प्रोटीन होगा, जिस प्रकार का प्रोटीन होगा उसी प्रकार का हमारा बॉडी डिज़ाइन होगा, और फिर हमारा बेबी ऐसे बनता है। अब देखिए क्रोमोसोम में जो अगर हमारा चेंज आ रहा है तो ये विविधता विभिन्नता होती है, लेकिन अगर हमारा कुछ चेंज डीएनए में भी आ जाए तो बनने वाले प्रोटीन में भी हमारा चेंज आएगा। अगर हमारा डीएनए में चेंज आएगा तो प्रोटीन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और प्रोटीन में चेंज आएगा तो बॉडी डिज़ाइन में भी चेंज आएगा, और बॉडी डिज़ाइन में चेंज आएगा तो हमारे बेबी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। आपने देखा होगा कुछ जानवर ऐसे होते हैं, मतलब या फिर कुछ कह दो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि जिसमें उनके दो मुंह होते हैं, दो सर होते हैं जैसे, या फिर कोई जानवर पैदा होता है जब किसी गाय के बच्चा होता है तो क्या होता है, एक टांग ज़्यादा फालतू जाती है। तो ये क्यों होता है, ये डीएनए में चेंज के कारण ही होता है, उनका जो चेंज आता है वो डीएनए में चेंज के कारण होता है। अब देखिए जो हमारा वेरिएशन है दो टाइप का होता है, एक तो हमारा आया एक क्रोमोसोम में चेंज आया, और एक हमारा सेकंड डीएनए में चेंज आया। ये जो अंतर आ रहा है ना, यानी माता पिता की जो संतान बन रही है उसमें भी कुछ अंतर आ सकता है। हमारा क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है और डीएनए चेंज आ रहा है, तो जो ये चेंज आ रहा है ना ये माता पिता की संतान, यानी माता पिता की जो संतान है उसमें भी कुछ कुछ अंतर आ सकता है। और जो ये चेंज आता जा रहा है, और मान लें यही वेरिएशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता जाए, तो क्या होगा, जो आने वाली जाति होगी वो क्या हो, एक नई प्रजाति का निर्माण करेगी। मान लीजिए कि वेरिएशन आता जाएगी, चेंज आता जाए हर एक जाति में, तो क्या हो, एक नई प्रजाति का निर्माण होगा, और उसी जो नई प्रजाति का निर्माण होगा उसी को हम जैव विकास में पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा आनुवंशिकता और जैव विकास दोनों टॉपिक, इसी को हम अब जैव विकास में पढ़ेंगे। तो अब मैंने आनुवंशिकता और जैविक विकास आपको दोनों बता दिया है, और मैंने इस चैप्टर का बेसिक आपको बता दिया है। अब मैं इस चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब एंड मेरी और वीडियोज़ लाइक।